गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अपन सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं जिसमें हम अल्कोहल एंड फिनॉल, जिसमें हम फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस हमें करनी थी और वहीं पर हमने इसको छोड़ा था केमिकल रिएक्शंस पे। यहाँ हमने इसका एसिडिक बिहेवियर देख लिया था और एसिडिटी का कंपेरेटिव स्टडी देख ली थी हमने विद अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देन हमें फिनॉल्स की रिएक्शंस पढ़नी थी, जिसमें हमने कहा था कि फिनॉल्स टोटल फोर टाइप की केमिकल रिएक्शंस शो करता है। एक रिएक्शन जिनमें उस पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, एक जिसमें फिनॉल का पूरा OH जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूरा का पूरा हट जाता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक कंडेंसेशन रिएक्शन। ये टोटल चार टाइप के फिनॉल रिएक्शन शो करते हैं केमिकल रिएक्शंस। लेकिन अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें दो टाइप की केमिकल रिएक्शंस ही आपको जो है पढ़नी है, लास्ट वाली दो यानी कि थर्ड और फोर्थ, तो इट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग, बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है वो बेंजीन रिंग की रिएक्शन है। ठीक है, देन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, आप जानते हैं कि जैसे हम फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो हमें पता है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज आती है, यानी इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैक करेगा और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आकर के वो ऐड होगा। ठीक है, जैसे सबसे पहला जो है वो है नाइट्रेशन यानी नाइट्रीकरण, और आप जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उसके टोटल तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है यानी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देन इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है बेंजीन रिंग के ऊपर आकर के यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और लास्ट में हम कहते हैं कि डी प्रोटोनेशन हो जाता है यानी प्रोटोन निकल जाता है और रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होता है, प्रोटोन निकल जाएगा और जो आपका जो कैटलिस्ट होता है वो एज इट इज़ वापस मिल जाता है हमको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे उसमें कोई ना कोई कैटलिस्ट जरूर होगा जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम करता है, या जिसे हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर भी कहते हैं। जैसे यहाँ कंसनट्रेट H2SO4 नाइट्रेशन के अंदर कंसनट्रेट H2SO4 इज़ ए इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर जो HNO3 से रिएक्शन करता है NO2+ यानी इलेक्ट्रोफाइल बनाता है NO2+, वो NO2+ फिनॉल पर अटैक करता है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आके जुड़ जाता है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल वो बनाता है। ठीक है, ये तो कब होगा, जब HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड कैसा है, डाइल्यूट है। अगर नाइट्रिक एसिड भी कंसनट्रेट है और सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेट है तो देखिए इस तरीके से ये रिएक्शन करके और क्या बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल बनाता है NO2+, H3O+ निकलता है और 2HSO4- निकल जाता है। ठीक है, ये जो NO2+ हैं ये कितने, तीन NO2+ अटैक करेंगे फिनॉल के ऊपर और तीनों पोजीशन यानी दो ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन जो बची है, एक और पैरा पोजीशन है और दो ऑर्थो पोजीशन, इन तीनों पर आकर के जुड़ जाते हैं। इसको हम कहते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल और इसको कॉमन नेम है इसका पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के बराबर, एक तरीके से बेंजोइक एसिड के बराबर जो है क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, यानी कि बहुत हाईली एसिडिक इन नेचर होता है ये। तो डिफरेंस क्या है कि अगर डाइल्यूट HNO3 लेते हैं तो ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव्स ही बनते हैं, और अगर कंसनट्रेट H2SO4 कंसनट्रेट HNO3 लेंगे तो जो है इसका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल यानी पिक्रिक एसिड बनता है, यानी ऑर्थो पैरा दोनों पोजीशन पर आकर के क्या हो जाता है, नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाता है। कब, अगर हम कंसनट्रेट HNO3 लेते हैं तो। अब देखिए यहाँ से तीनों से क्या होगा, H+ निकलेगा, वो H+ कहाँ जाएगा, इस HSO4- के पास जाएगा और H2SO4 वापस बन जाता है। ठीक है, यानी H2SO4 यहाँ क्या कर रहा है, एक तरीके से कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवा देता है, ये देखिए H2SO4 ने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराया और बाद में ये इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैक करेगा और H2SO4 जो है वो वापस अपने को एंड में मिल जाता है, यानी जितना H2SO4 अपन स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं उतना वापस एंड में मिल जाता है। तो ये सिर्फ एक कैटलिस्ट की तरह है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराने का काम करता है, इसका ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ये ध्यान रखिएगा कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते बल्कि वो सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराते हैं और वापस अलग हो जाता है एज इट इज़। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर
H3 के नीचे अगर डाइल्यूट लिखा है यानी तनु लिखा है तो सिर्फ आप ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव्स ही बनाएंगे, ठीक है। और अगर H3 के नीचे कंसंट्रेट लिख दिया जाए, जैसे यहाँ H3 लिख दिए और यहाँ पर तो H2SO4 ही लिखेंगे एरो के ऊपर, कैटलिस्ट एरो के ऊपर ही लिखे जाते हैं, और यहाँ अगर H3 लिख करके नीचे कंसंट्रेट लिख दिया जाए तो आप पिक्रिक एसिड मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर वहाँ आपने ऑर्थो या पैरा डेरिवेटिव बना दिए तो वो गलत होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है नाइट्रोसोकरण, ठीक है। नाइट्रोसोशन, नाइट्रोसोकरण में क्या होता है, हम एनओ जो है नाइट्रोसो ग्रुप जो है वो ऐड करते हैं। नाइट्रोसो ग्रुप कैसे ऐड करेंगे, HNO2 की रिएक्शन कराते हैं, यानी कि नाइट्रस एसिड की। नाइट्रस एसिड आप जानते हैं HNO2 होता है, और HNO2 बनाने के लिए कैसे, HNO2 कैसे बनाया जाता है कि NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन कंसनट्रेट H2SO4 से कराई जाती है। सोडियम नाइट्राइट NaNO2 की रिएक्शन कंसनट्रेट H2SO4 से कराते हैं तो उससे क्या बनता है, HNO2 बनता है, H यहाँ से और NO2, ठीक है। H2SO4 के क्या बनेगा, H प्लस और HSO4 माइनस निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से मिलेगा इसको क्या, NO2, ठीक है। तो ये हो जाएगा HNO2। ये HNO2 कहाँ अटैक करेगा, फिनॉल के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन, वहाँ से एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकलेगा। देखिए वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और ये OH मिलके क्या बना देंगे, H2O। तो H2O निकल जाएगा और NO जो है वो जुड़ जाता है पैरा पोजिशन पे भी ऑर्थो पोजीशन पे। ये है पैरा नाइट्रोसोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोसोफिनॉल, ठीक है, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल एंड ऑर्थो नाइट्रोसोफिनॉल। आप देखिए इस तरीके से जो है ये रिएक्शन होती है, ठीक है। देन इसी के अंदर है लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट क्या होता है कि फिनॉल की रिएक्शन जब हम सोडियम नाइट्राइट से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेट, ठीक है, तो हीट करने पर ग्रीन कलर ऑप्टेन होता है। ये लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट आपके सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल में भी है। जब हम फिनॉल का कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं तो लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट ही करते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शंस आपके थ्योरी में है और प्रैक्टिकल में भी ये टेस्ट है, तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ना। तो फिनॉल की रिएक्शन हमने किससे कराई है, सोडियम नाइट्राइट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेट, और हीट करते हैं तो क्या होता है, ग्रीन कलर मिलता है। इसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं यानी इसको डाइल्यूट करते हैं, पानी मिलाते हैं, तो जो ग्रीन कलर है वो कन्वर्ट हो जाता है रेड में, ठीक है। और उसके बाद में उसके अंदर हम और क्या मिलाते हैं, बेस यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, तो जो रेड कलर है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में। तो ब्लू कलर कन्वर्ट होना जो है ये शो करता है कि यहाँ पर क्या है, फिनॉल प्रेजेंट है। यानी पहले क्या हुआ कि सोडियम नाइट्राइट पर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो ग्रीन कलर आएगा, डाइल्यूट करेंगे तो रेड कलर आएगा, और फिर उसके अंदर बेस मिला देंगे तो ब्लू कलर आएगा। यानी तीन कलर यहाँ मिलते हैं, ग्रीन रेड एंड ब्लू, ठीक है। इस टेस्ट को ही हम कहते हैं लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट, एंड इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई फिनॉल एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी फिनॉल को एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड फाइंड आउट करने का ये टेस्ट है। लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट का मैकेनिज्म क्या है वो भी देख लेते हैं कि फिनॉल की रिएक्शन वही HNO2 यानी नाइट्रस एसिड से कराइए। देखिए वही है क्योंकि NaNO2 और H2SO4 मिलकर क्या बनाएंगे, HNO2, ठीक है, यानी नाइट्रस एसिड बनाते हैं। ये नाइट्रस एसिड जो है वो अटैक करता है फिनॉल के ऊपर और पैरा नाइट्रोसो फिनॉल बना देगा। H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और NO जुड़ जाएगा तो पैरा नाइट्रोसो फिनॉल बना, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस पैरा नाइट्रोसो फिनॉल में क्या होता है, एक एक टाइप से आप कह सकते हैं कि रीअरेंजमेंट टाइप होता है, और ये जो H है ये यहाँ से हटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ठीक है, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को प्रोटॉन की फॉर्म में निकालेगा, और ये जो एच प्लस है वो आकर के यहाँ जुड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। ये इसे बोलते हैं अपन एसी नाइट्रोसो फॉर्म, ठीक है, ये एसी नाइट्रोसो फॉर्म बनेगी इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन क्या है इलेक्ट्रॉन को लेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, तो ये इधर शिफ्ट होएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होएगा, ठीक है। ऑक्सीजन लोन पेयर हाइड्रोजन को क्या करेगा, प्रोटॉन की फॉर्म में निकालेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा। तो ये देखिए ये दो डबल बॉन्ड आ गए, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और ये ओ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये प्रोटॉन है वो आकर के कहाँ जुड़ेगा, इस नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, यानी NOH हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे एक और फिनॉल के मॉलिक्यूल का अटैक होगा और H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा। देखिए
कैसे निकलेगा, इसको आप टिल्ट कर लीजिए, ये देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला ये रहा, ठीक है, ये एज इट इज़ डबल बॉन्ड एन, और ये जो ओ एच है यहाँ से एच निकलेगा क्योंकि इसकी पैरा पोजिशन पे हाइड्रोजन है, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन और ये ओ एच मिलके क्या बना देंगे, एच टू ओ, तो एच टू ओ का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये फिनॉल एज इट इज़ जुड़ जाएगा, ये वाला देखिए ये जुड़ गया, ठीक है, ये है इंडोफिनॉल, इसका आता है रेड कलर, स्टार्टिंग में जो रेड कलर आता है वो इसका आता है, ठीक है, जो सबसे पहले ग्रीन कलर आया वो इसका आता है ना, और ये पैरानाइट्रोसोफिनॉल का, उसके बाद में पैरानाइट्रोसोफिनॉल जब हम डाइल्यूट करते हैं, यानी एक और फिनॉल का मॉलिक्यूल जब ऐड होगा डाइल्यूट करने पर, एसी नाइट्रोसो फॉर्म बनती है, और एसी नाइट्रोसो फॉर्म में एक और फिनॉल का मॉलिक्यूल ऐड होता है तो इंडोफिनॉल बनता है, और उसका क्या आता है, रेड कलर आता है, ये इंडोफिनॉल का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है रेजोनेंस है ना, ये देखिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, तो ये वाले इधर शिफ्ट होंगे, ये वाले इधर शिफ्ट होंगे, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा, देखिए इस टाइप से ये बनेगी स्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि ये इधर शिफ्ट हुआ था तो ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इधर ये शिफ्ट हुआ था तो इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये एज इट इज ये हो गया, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये देखिए ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, है ना, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था, ये इधर शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ सिर्फ दो ही डबल बॉन्ड होंगे, और यहाँ दो की जगह कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, ये देखो, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या दे रहा है, एच प्लस आयन, है ना, एच प्लस आयन देगा, वो एच प्लस आयन कहाँ जुड़ेंगे, यहाँ जुड़ेंगे, ये देखिए यहाँ जुड़ गए, ठीक है, एच एस ओ फोर निकल जाएगा, एच एस ओ फोर माइनस, और एच प्लस यहाँ जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ जुड़ा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस इधर शिफ्ट, तो ये इधर और ये इधर, ये इधर, ये यहाँ और ये यहाँ पर, ठीक है, तो ये देखिए ये वाली फॉर्म बन जाएगी, यानी कि अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पूरे हो जाएंगे बराबर, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, एच एस ओ फोर माइनस, ठीक है, ये है इंडोफिनॉल एसी सल्फेट, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, इंडोफिनॉल एसी सल्फेट है, जो कैसा होगा, ये ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। फिर इसमें से जो है दो एच प्लस आयन निकलेंगे, ठीक है, बेस के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं ना हम, तो दो एच प्लस आयन निकलेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये देखिए ये दोनों निकल गए, है ना, तो यहाँ से ये जाएगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, प्रोटॉन के प्लस में निकलेंगे, यानी इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर देखे जाएगा तो इसकी बैलेंस, इसके जो लोन पेयर है वो पूरे हो जाएंगे, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज, ये देखिए इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर कोई नहीं आया, फिर से वही ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, ठीक है, तो ये इधर आएगा, ये इधर वापस इधर ट्रांसफर होंगे तो इधर आएगा, मतलब रेजोनेंस चलता रहेगा इनमें, और इसका क्या होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है, ये ब्लू कलर आएगा, ठीक है, ग्रीन, फिर डाइल्यूट करने पर रेड, और देन ब्लू, ये हो गया। देन उसके बाद में है सल्फोनेशन, यानी सल्फोनीकरण। देखिए सल्फोनेशन में क्या होगा कि कंसनट्रेट H2SO4 के रिएक्शन कराते हैं हम फिनॉल के साथ में, अगर ये रिएक्शन 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, और इसी रिएक्शन को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो पैरा प्रोडक्ट बनता है, ये देखिए, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, नहीं, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ठीक है, 20 से 25 डिग्री पे ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा मेजर, और 100 डिग्री पे क्या बनता है, पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यही अगर आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम यूज़ करते हैं तो ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे क्या हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी SO3H सल्फोनिक ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है ऑर्थो पर भी पैरा पर भी, और अगर उसके बाद भी और हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर ऐड करते हैं तो जो एक और बची हुई ऑर्थो पोजीशन है उस पर भी क्या हो जाता है, SO3H यानी सल्फोनिक ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये प्रोडक्ट बन जाता है, यानी 2,4,6 बेंजीन 2,4,6 ट्राई सल्फोनिक एसिड बन जाता है ये, ठीक है, ट्राई सल्फोनिक एसिड, तो ये बहुत हाईली एसिडिक हो जाता है ये, ठीक है। देन हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन की हम बात करें कि क्लोरीन या ब्रोमीन
हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो अगर मीडियम H2O है, यानी पोलर मीडियम है, पोलर मीडियम है, तो 2,4,6 ट्राईक्लोरो और ट्राईब्रोमोफिनॉल देता है ये। अगर ब्रोमीन के साथ कराओगे तो ट्राईब्रोमोफिनॉल, अगर ये Cl2 ले लेते हैं हम तो ट्राईक्लोरोफिनॉल प्रोडक्ट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट यानी H2O। और यही अगर रिएक्शन हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में करा दें, यानी CH2 और CCl4 और CHCl3, यानी कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म, इनमें से किसी की भी प्रेजेंस में करा दें इस रिएक्शन को, तो ओनली ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव ही बनते हैं। ये देखिए, जैसे Br2 CH2 की प्रेजेंस में कराया तो ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बने, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल। Cl2 के साथ कराया तो वही ऑर्थो क्लोरोफिनॉल और पैरा क्लोरोफिनॉल जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्ट ध्यान रखना, डिपेंड करता है एरो के ऊपर क्या लिखा है। अगर एरो के ऊपर H2O लिखा है या पोलर या प्रोटिक सॉल्वेंट लिखा है तो आप क्या बनाएंगे, 2,4,6 ट्राई हेलो फिनॉल बनाएंगे, ठीक है, यानी ट्राई ब्रोमो या ट्राई क्लोरोफिनॉल। और अगर कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे CH2 है, कार्बन डाइसल्फाइड, या हम बात करें क्लोरोफॉर्म है या कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो आप केवल ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही बनाएंगे, ठीक है। और इन जनरल केसेस में हम देखते हैं कि पैरा प्रोडक्ट इज़ द मेजर प्रोडक्ट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ जो है जनरल रिएक्शंस थी। इसके बाद और भी हैं जो हम अभी स्टडी करते हैं, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है फ्रेडलक्राफ्ट। फ्रेडलक्राफ्ट रिएक्शन भी आप लोग जो है पढ़ चुके हैं पहले। फ्रेडलक्राफ्ट में आपको मालूम है एल्किलीकरण और एसिलीकरण दो रिएक्शंस होती हैं, यानी कि एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। पहले हम बात कर रहे हैं एसाइलेशन की। एसाइलेशन में क्या होता है, हम एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, और एसाइल ग्रुप यानी CH3CO ये ग्रुप जो है ऐड होता है बेंजीन के ऊपर, ठीक है, इसको एसाइल ग्रुप बोलते हैं, इसीलिए हम इसे एसाइलेशन कहते हैं कि एसाइल ग्रुप ऐड होता है। और इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो होता है AlCl3 यानी एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड, विच इज़ एक्ट एज ए लुविस एसिड, जो एसाइल क्लोराइड से Cl लेता है और CH3CO+ यानी एसाइल ग्रुप जो है एज ए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है और AlCl4- की फॉर्म में अलग होता है। तो AlCl3 का वर्क क्या है यहाँ पर, AlCl3 यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर की तरह वर्क कर रहा है, यानी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा रहा है, और CH3CO यानी एसाइल ग्रुप उसने जनरेट कराया और AlCl4- की फॉर्म में अलग हुआ। लास्ट में जब फिनॉल में से जब ये एसाइल ग्रुप जुड़ता है तो H+ आयन यानी प्रोटोन निकलता है, वो प्रोटोन जो है AlCl4 से रिएक्शन करता है और HCl निकाल देता है और AlCl3 वापस अलग हो जाता है। यानी AlCl3 आप जितना स्टार्टिंग में यूज़ करते हो उतना का उतना आपको वापस एंड में मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक कैटलिस्ट है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो उसका काम सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराने का है, ठीक है। तो ये देखिए फिनॉल के ऊपर एसाइल ग्रुप ने अटैक किया तो क्या बना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल बनता है, क्योंकि ये अगर ये देखें तो ये एसिटोफिनॉल है। एसिटोफिनॉल क्या होता है कि जो फिनॉल जो कीटोन ग्रुप होता है उसके एक तरफ एल्काइल ग्रुप और एक तरफ एराइल ग्रुप, ठीक है, तो ये कीटोन होता है एसिटोफिनॉल, ठीक है, तो ये एसिटोफिनॉल है। पर एसिटोफिनॉल में अगर हम देखें तो ऑर्थो फॉर्म पे ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ OH लगा है, तो ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, और यहाँ देखेंगे तो आप पैरा पोजीशन पे जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, तो ये है पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, ठीक है। और ये जो प्रोटोन है ये AlCl4- के साथ में वापस रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से प्रोटोन निकलेगा और यहाँ से प्रोटोन निकलेगा, तो AlCl3 और HCl वापस बन जाएगा, ठीक है। एसाइल ग्रुप ऐड होने की ही एक जो है रिएक्शन है वो है फ्रेश रीअरेंजमेंट यानी फ्रेश पुनर्विन्यास। एसाइल ग्रुप ही इसमें ऐड होता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है मैकेनिज्म बताया गया है फ्रेश रीअरेंजमेंट में कि ये किस तरीके से होता है। देखिए CH3COCl यानी एसाइल क्लोराइड जो है वो फिनॉल के साथ में रिएक्शन करता है, HCl निकल जाएगा यहाँ से, ये H और ये Cl, और O एज इट इज़ वहीं रहेगा और COCH3 जुड़ जाएगा, ये क्या बन गया बेसिकली एस्टर बन गया, तो ये फिनाइल एसिटेट बन गया, ठीक है। अब इसके ऊपर AlCl3 का अटैक होगा, हीट करेंगे तो ये जो COCH3 है वो पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर आ जाता है, और यहाँ से ऑर्थो या पैरा पोजीशन से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो ऊपर
ऑक्सीजन पे जाके वापस ऐड हो जाता है, यानी वो फिनॉल बन जाता है एज इट इज़। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन्होंने इस रिएक्शन को होना बताया। ये हो गया पैरा एसिटाइल फिनॉल और ऑर्थो एसिटाइल फिनॉल। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं फ्रेश रीअरेंजमेंट का। इसका जो मैकेनिज्म है वो दो टाइप से होना बताया है, एक है इंट्रा मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट और एक है इंटर मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट। पहले हम देखते हैं इंट्रा मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट। इंट्रा मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट में क्या है, देखिए फ्रेश रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके आने के। इवन फिनॉल की जितनी भी रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी नेम रिएक्शन है और सबका आपके कोर्स में मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म वाली जो है रिएक्शंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखें तो क्लेसन रीअरेंजमेंट, फ्रिश रीअरेंजमेंट और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नाइट्रेशन, सल्फोनेशन है ना, और राइमरटियमान, ये सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो कि फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं, तो ये ज़्यादातर पूछी जाने वाली रिएक्शंस हैं। तो फ्रिश रीअरेंजमेंट का पहले हम देखते हैं इंट्रा मॉलिकुलर जो रीअरेंजमेंट है वो किस तरीके से होता है। कि ये देखिए, इंट्रा मॉलिकुलर का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल के अंदर ही, यानी AlCl3 क्या हो गया, जुड़ गया है। कैसे जुड़ा है, देखिए HClH यानी प्रोटॉन जो है वो निकल गया और CH3CO जुड़ गया है ना, क्योंकि Cl था इसके साथ में। देखिए ये रहा, ये Cl और ये H हट जाएगा, क्या निकल गया, HCl निकल गया, तो COCH3 जुड़ गया। ये देखिए COCH3 जुड़ गया और दूसरी तरफ क्या जुड़ जाएगा, AlCl3 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर होते हैं। तो देखिए दो बॉन्ड पेयर हो गया, लोन पेयर, एक बॉन्ड इसने अपना लोन पेयर देके बनाया ये वाला। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक, अब क्या होता है कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ लेगा और इसको यहाँ से अलग कर देगा CH3CO को, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ठीक है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, बाहर आएंगे। तो यहाँ क्या आएगा, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, यानी ये जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, वो कहाँ अटैक करेगा, इस पर ऑर्थो पोजिशन पर अटैक करेगा और जुड़ जाएगा। ये देखिए COCH3 जुड़ गया, इस पर हाइड्रोजन तो था ही ऑलरेडी और ये जुड़ गया। ठीक है, ये बाहर आ गया था, और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आए थे तो ये क्या हो गया था, ऑक्सीजन पे ये डबल बॉन्ड आ गया था। लेकिन अभी भी देखिए ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो, या इलेक्ट्रॉन की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये जब इधर आ तो गया लेकिन डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो भी अभी भी ऑक्सीजन ने कितने बना रखे हैं, तीन बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, अब ये इस तरफ अंदर आएगा और ये प्रोटॉन की फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, और ये इस तरफ जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे ताकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो, ख़त्म हो। ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, और जब ये इधर खींचेगा यहाँ से एक Cl निकल जाएगा। ठीक है, तो ये H और ये Cl मिलके क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। ये देखिए क्या बन गया, OACl2 बन गया ये यहाँ पर। ठीक है, और ये COCH3 एज इट इज़ हो गया। अब यहाँ क्या होगा, H2O से क्या होगा, यहीं यहाँ पर ये ब्रेक होगा, H प्लस और OH माइनस, तो ये टूटेगा, H यहाँ लग गया, OH माइनस अलग हो जाएगा। ठीक है, ये OH माइनस और जो HCl है, देखिए HCl टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, यहाँ ऑलरेडी OH माइनस है, वो OH माइनस और H प्लस मिलके क्या बना देंगे, H2O बना देंगे वापस, और AlCl2 जो अलग हुआ है वो इस Cl के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देगा, AlCl3 बना देगा वापस। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो HCl निकल रहा है ना वो कंज्यूम हो जाएगा वापस, यानी रिएक्शन में एंड में एज ए प्रोडक्ट आपको HCl नहीं मिलेगा, यानी एसिड नहीं मिलता है। ठीक है, और जो वाटर जो यहाँ यूज़ हो रहा है वो वाटर जितना यूज़ हुआ उतना वापस मिल जाता है आपको, क्योंकि H2O का H यहाँ गया, OH बचा, वो OH इस H से रिएक्शन करके वापस क्या बना देगा, H2O बना देगा। यानी रिएक्शन में वाटर एज रिएक्टेंट की तरह काम नहीं कर रहा, वो एज ए सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट ही रहेगा। ठीक है, जितना H2O था उतना का उतना ही रहेगा, ना तो कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। और जो AlCl3 आपको यहाँ लग रहा होगा कि ये AlCl2 की फॉर्म में अलग हो रहा है, पर वो AlCl2 Cl के साथ में रिएक्ट करके वापस AlCl3 बना देगा जो स्टार्टिंग में यूज़ हुआ था। यानी कहने का मतलब AlCl3 भी जितना यूज़ हुआ था वो वापस मिल गया, बिकॉज AlCl3 इज़ ए इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर। ठीक है, उसने क्या किया, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया है सिर्फ। ठीक है, तो ये फ्रिश रीअरेंजमेंट का जो है मैकेनिज्म है,
और ये क्या बन गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है, ये इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो है ये रीअरेंजमेंट हो रहा है। यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो गया, इसलिए उसने ये बॉन्ड ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में निकाला। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और ये कार्बन इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो जाएगा, तो ये इस इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करके इसको अपने पास जोड़ लेगा यहाँ, ठीक है। अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अभी भी खत्म नहीं हुई, ठीक है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये जो डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेगा, जिससे ये कार्बन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होगा, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे और प्रोटोन की फॉर्म में निकलेगा। ये प्रोटोन एक सीएल लेके निकल जाएगा, एचसीएल, ठीक है। यहाँ AlCl2 बचेगा और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी वो भी खत्म हो गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से जो है ये इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है। तो ये तो इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म है। अगर यही हम इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट देखें यहाँ पर, यानी कि अंत्य अणु क्रियाविधि, तो उसमें किस तरीके से होगा कि ये पहले HCl तो निकलेगा ही, ये यहाँ पर हमने देखा था कि ये Cl और H के साथ में रिएक्शन हो के HCl निकल जाता है और ये COCH3 जुड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए COCH3 तो जुड़ गया है ना। अब इसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, वो इस लोन पेयर से इस AlCl3 के ऊपर अटैक करेगा। तो देखिए ये इंटरमोलिकुलर है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच के रिएक्शन से, ठीक है। AlCl3 अलग मॉलिक्यूल है, ये पूरा एक अलग मॉलिक्यूल है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये यहाँ जोड़ेगा इसको। तो जैसे ही ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करके इसको जोड़ेगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर देके बॉन्ड बना रहा है। तो जैसे ही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये AlCl3 यहाँ जुड़ गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ये एज इट इज जुड़ा हुआ है ही, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो COCH3 जो है, यानी एसाइल ग्रुप है, इसको एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से निकालेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, ताकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो। ये देखिए इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो गई, ठीक है, और इसने क्या निकाल दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O निकाल दिया, ठीक है। अब इस कार्बन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है डेफिशिएंसी है, यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए क्या होता है, ये लोन पेयर जो है ये इधर आता है, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, या फिर CH3 C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन आप इधर शिफ्ट कर दो, तो कार्बन की जगह किस पे चला जाएगा, ऑक्सीजन पे चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये रेजोनेंस होता रहता है इनमें, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये, ठीक है, कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक। अब देखिए ऑक्सीजन की जो थी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डिमांड थी वो कंप्लीट हो गई। अब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इधर शिफ्ट करेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, जिससे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। यानी ये कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली रिच, ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच कार्बन इस इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है, और इसको यहाँ पर जोड़ेगा। ये देखिए ये यहाँ पर जुड़ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और जैसे डबल बॉन्ड आया, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर देके बॉन्ड बनाया था, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, AlCl3 एज इट इज अटैच है, और ये यहाँ जुड़ जाएगा COCH3, ठीक है, और ये यहाँ इसके ऊपर प्रोटॉन तो था ही ऑलरेडी। देन ये वापस से जो है ऑक्सीजन यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और ये प्रोटॉन हाइड्रोजन यहाँ प्रोटॉन के फॉर्म में निकलेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर अंदर बेंजीन के अंदर शिफ्ट होंगे और हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन के फॉर्म में यहाँ से निकलेगा, ठीक है। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन के दो लोन पेयर हो जाएंगे एज इट इज़। ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएंगे, प्रोटॉन निकलेगा, ये एच प्लस एक सी एल लेके जाएगा, एच सी एल निकल जाएगा, तो ये ओ एल सी एल थ्री की जगह AlCl2 बन जाएगा और ये COCH3 एज इट इज़ जुड़ा रहेगा, ठीक है। एच सी एल निकल गया, फिर वही एच टू ओ है, देखिए एच टू ओ, तो वही होगा कि एच आ जाएगा, ओ एच बचेगा और एच सी एल प्लस, तो एच प्लस और ओ एच क्या बना देंगे, एच टू ओ बना देंगे वापस से, और सी एल जो है वो AlCl2 के साथ में मिलकर क्या बना देगा, AlCl3 बना देगा वापस। अगर आप देखें तो बहुत सारा डिफरेंस नहीं है इंट्रामोलिकुलर में और इंटरमोलिकुलर में, सिर्फ एक डिफरेंस है, इसमें यहाँ पहले से जुड़ा हुआ है ये AlCl3, है ना, और इसमें आपको जो है बस ये एक बार जोड़ना है, उसके बाद में ये अलग रखना है, बस आपको बस ये दिखाना है कि ये यहाँ से अलग हुआ, उसमें रेजोनेंस हुआ, उसके बाद ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हुए तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, है ना, इसमें बस ये जुड़ा हुआ ही दिखाया है, एनी टाइम यहाँ से अलग होकर सीधा यहाँ जुड़ गया था ये,
उसमें आपको बस इसको अलग रखना है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, लगभग लगभग एक जैसा ही मैकेनिज्म है। अगर आप एक याद कर लेते हो तो दूसरा आप इजीली इसमें कर सकते हो, ठीक है। दोनों के मैकेनिज्म काफ़ी हद तक एक जैसे ही हैं, ठीक है। देन उसके बाद में एल्काइलेशन, तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हो कि AlCl3 पहले CH3Cl, एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप का ऐड होना, यानी CH3Cl के साथ में रिएक्ट करेगा और CH3+ बनाएगा AlCl4-, ये CH3+ फिनॉल के ऊपर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर जुड़ेगा, यानी ऑर्थो क्रिसोल और पैरा क्रिसोल बनेगा, और जो यहाँ से H+ निकलेगा, दोनों ही पोजिशन से H निकलेगा, वो इस AlCl4 के साथ में रिएक्शन करके HCl और साथ में AlCl3 वापस निकाल देगा, ठीक है। देन उसके बाद में आते हैं अपन कार्बोक्सिलेशन पे, तो ये कार्बोक्सिलेशन की जो रिएक्शन है वो हम करेंगे अब कल। ओके, थैंक यू।